तो मैं चल पड़ा हूँ अभी कैंपिंग के लिए। ज़्यादा अभी काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, पूरा वाइट है। और ये देखिए पूरा, तो जैसे स्नोफॉल होना स्टार्ट हुआ, मैंने सीधे अपना बैग पैक करा और चल पड़ा हूँ। आगे कहाँ जाऊँगा ये तो कन्फर्म नहीं है कि कहाँ पे मैं कैंप करूँगा। अगर ज़्यादा ही स्नोफॉल होती है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो चलिए एक बारी मैं कहीं लोकेशन ढूंढ लेता हूँ कैंपिंग के लिए, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होने की उम्मीद है आज। एक बार यहाँ से देख लो आप, पूरा वाइट हो चुका है, जस्ट अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ और यहाँ पूरा वाइट। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ जंगल में, छोटा सा जंगल है बीच में, थोड़ा आगे जाएंगे और यहाँ का व्यू भी एकदम अल्टीमेट है। अभी स्नोफॉल लगातार जारी है। तो मैं पहुँच चुका हूँ लोकेशन पे जहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हाइट पे है, तो इससे आगे जाऊँगा मैं अभी। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, वो यही लोकेशन है जिसमें मैंने पहले भी कैंपिंग कर रखी है, नाइट कैंपिंग। तो जब भी ज़्यादा चल पाना भी ईजी नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्नो है, ऊपर से फिसलने का डर है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कैंपिंग कर लूँ, तो यहाँ पर मैं टेंट सेट कर लेता हूँ एक बारी। तो हो चुका है अपना टेंट सेट, और जैसे तैसे टेंट सेट किया है, अच्छे से हुआ नहीं वो, काफ़ी अंदर स्नो भी चली गई। तो एक बारी अंदर का भी सेटअप करता हूँ मैं, थोड़ा मैंने कर लिया अंदर, और ज़्यादा भी स्नो काफ़ी अंदर भी आ चुकी है। टेंट में लगातार ऊपर से बर्फ़ जमा हो रही है, जिससे
हटाना पड़ रहा बार बार, तो काफ़ी सुनो अंदर भी आ गई ये बात में भी मेल्ट हो के फिर पानी बन जाएगा, ये दिक्कत कर सकता है। तो ज़्यादा मैंने मैटेड बिछा लिया है और बाहर पे आपको स्नो नज़र आ रही होगी, क्योंकि अंदर वाले लेयर में ना जो रेन कवर होता है उसके अंदर वाले में भी काफ़ी ज़्यादा स्नो जमा हो गई थी जब मैंने टेंट सेटअप करा था उस टाइम। तो ये बात में देखते हैं बाहर अंदर तो ना जाएगी। तो पूरा हो चुका है टेंट सेटअप अंदर से, और एक बार बार आपको बाहर भी दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्नो हो रही है, स्नो पड़ रही है अभी, स्नो गिर रही है अभी बाहर। तो अभी जाके स्नोफॉल थोड़ी रुक गई है, ज़्यादा मौसम भी बना हुआ है स्नोफॉल का, पास वाली पहाड़ी में अभी भी हो रहा है स्नोफॉल, तो ज़्यादा यहाँ पे ये है व्यू अभी का। अभी 12 बजने वाले हैं तो ये है व्यू कुछ। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी वीडियो एंड कैसे हो गई। दरअसल बात ये है कि जब मैं कैंप सेटअप कर रहा था उस दौरान काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल अंदर घुस गया, इसकी वजह से पूरा अंदर पानी पानी हो गया टेंट के अंदर, इससे रहने लायक बचा ही नहीं था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब कैंपिंग नहीं कर सकता और मैं वापस चल दिया घर को, जहाँ पर मुझे बीच में कैंपिंग छोड़ के जाना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटा सा ही वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में आते रहेंगे कैंपिंग से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी एक और नई ब्लॉग में।